नमस्कार, मैं हूं निलेश और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और इस वक्त की जो हम खबर बता रहे हैं वो भारत से नहीं जुड़ी है बल्कि नॉर्थ कोरिया से जुड़ी है। मंगलवार को नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा दावा किया है। नॉर्थ कोरिया ने दावा करते हुए कहा कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है जो सफल रहा है। नए साल में पिछले हफ्ते बुधवार को और गुरुवार को भी नॉर्थ कोरिया ने दो मिसाइलों के टेस्ट किए थे और उसका भी दावा उसने किया था और कहा कि ये दोनों भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट थे। लेकिन दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के दौरान नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोन उंग भी वहां पर मौजूद थे। तो नॉर्थ कोरिया के पहले दावे पर एक नजर डालते हैं कि इस दावे में क्या कहा गया है। तो नॉर्थ कोरिया की एक सरकारी मीडिया है जिसका नाम है KCNA, अगर उसके रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो मंगलवार को जो टेस्ट किया गया उस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स के हवाले यह कहा जा रहा है कि टेस्ट के दौरान किम जोन उन की मौजूदगी साबित करती है कि नॉर्थ कोरिया ने इस तकनीकी को हासिल करने में कुछ कामयाबी हासिल की होगी। 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान करती है। तो ये थी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक बात जो नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल परीक्षण के दौरान इसका दावा किया है। लेकिन इसके अलावा भी तीन ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला देश अमेरिका है, दूसरा चीन और तीसरा रूस है। ये लोग भी अपने देश में हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, लेकिन 6 देशों को नॉर्थ कोरिया के द्वारा किए गए इस मिसाइल परीक्षण के बाद से चिंता बढ़ गई है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।